हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बेसन की बर्फ़ी लेके आई हूँ। ये बहुत टेस्टी बर्फ़ी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए मैं पहले बर्फ़ी बनाने से पहले आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगता है जब बन जाता है। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊँगी, तो चलिए तोड़ लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है हम लोगों का। मैं एक बार और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा है इसका टेक्सचर और ये कितना टेस्टी बना है। आप लोग रक्षाबंधन पे अपने भाइयों के लिए यही बनाइएगा और इसे आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं एक दो दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने और आप लोग जाइए इसकी रेसिपी देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हम लोग चाशनी बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाला था और एक कप चीनी डाला था। फ्रेंड्स देखिए, उबाल आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोग की चाशनी बन गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तार बन रहा है हम लोगों का। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक तार बन रहा है, तो इसका मतलब हम लोग की चाशनी बन गई है। इसे हम लोग उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई ले लिया है और यहाँ बेसन लिया है। हमने दो कप बेसन लिया है, एक कप घी। ये देख सकते हैं, घी मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ मैं बेसन को भूज रही हूँ। थोड़ा सा मैं बेसन को रोस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई हैं। आप लोग उनको भी जाके देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और राखी मैंने बनाया है, पार्ट वन और पार्ट टू, मैंने दो तरीके की राखियाँ बनाई हैं। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ईजी राखी है। एक वीडियो में मैंने मोती से बनाया है राखी, और एक वीडियो में मैंने बनाया है ग्लिटर शीट से और रिबन से राखी बनाया है। तो उसे भी जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ये भूज गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक कर दीजिए। और आप लोग जब लाइक करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको इसे रोस्ट करने में 5-6 मिनट लगेगा। और फ्रेंड्स, जब आप घी डाल के चलाएंगे तो आपको 5 मिनट और लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं आपको थोड़ी अपनी, जब तक ये हम लोग रोस्ट कर रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ अपने प्रीवियस वीडियो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने काला जामुन बनाया था और ये मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है फ्रेंड्स रक्षाबंधन के लिए। आप लोग इसे ज़रूर जाके देखिएगा। और ये राखी बनाया है मैंने, ये देखिए। देख सकते हैं कितनी अच्छी राखियाँ हैं। संदेश बनाया था और ये मैंने रसगुल्ला बनाया था, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। घेवर है ये और ये पेड़ा। तो चलिए वापस हम लोग अपने बर्फ़ी की तरफ आ गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये रोस्ट हो गया है, एकदम इसका कच्चापन निकल गया है और बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है बेसन की। इलायची ले लिया है हमने, इसे डालने से और अच्छा स्वाद आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हो गया है रोस्ट हम लोगों का, कितने अच्छे से हो गया है।
और मुझे थोड़ी कढ़ाई बड़ी पड़ रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मैंने कढ़ाई चेंज कर लिया है। तो देखिए जो हमने चाशनी बनाई थी और ये बेसन का जो हमने ये बनाया था ये भी ठंडा हो गया है फ्रेंड्स। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक आप लोग इसमें चाशनी मत डालिएगा, दोनों चीज़ ठंडा होना चाहिए तो ही ये हम लोग की बर्फ़ी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स इसे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा चाशनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा क्योंकि फ्रेंड्स चाशनी के बाद जब हम लोग चाशनी डाल देते हैं तो जो बेसन होता है वो फिर जमने लगता है। तो ये देखिए जितनी हमने चाशनी पहले डाला था सब वो सोक कर लिया है, तो हम लोग और चाशनी डाल देते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग की चाशनी। देखिए फ्रेंड्स इसे भी हम लोग अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। तो चलिए जिसमें आप लोग बर्फी जमाए चाहे आप लोग प्लेट में भी जमा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मिठाई का डब्बा ले लिया है। आप लोग पेठा खाते होंगे तो ये मिठाई का डब्बा मिलता है, तो ये वही डब्बा है, इसी में मैं जमा रही हूँ बर्फी अपनी। तो देखिए इसे हम लोग अच्छे से सेट कर देंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से हमने सेट कर दिया है, अब ये ठंडा होगा तब हम लोग इसे काटेंगे कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हल्का गर्म होगा तो ही आप लोग इसे कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, तो उसे आप लोग एकदम आराम से काटिएगा। अभी देखिए ये देखिए मेरा ये कट गया, तो मैं उसे निकाल के ये देखिए साइड साइड मैंने उसे यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग, अब ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसे निकालूंगी फ्रेंड्स। तो हम मैं इसे एक प्लेट में पलटूंगी पहले, तो ये जो साइड साइड में थे उसको मैंने अलग कर दिया है, इसे मैं बाद में खाऊंगी, पर ये जो हैं इनको मैं पलट लूँगी। तो चलिए मैं पलट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पलट लिया और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए, और डिज़ाइन भी अच्छी बन गई है उस डिब्बे की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने केसर के साथ इसे सर्व कर लिया। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना। तो टेक केयर एंड बाय बाय।